भगवान कृष्ण मैनेज करते हैं मैं नहीं मैनेज करता हूँ या yeah, मुझे भी करना है प्रभु जी ऑल द टाइम यस yes, प्रभु जी श्री कृष्ण भगवान का नाम स्मरण है ऑल द टाइम वट एवर आई अंडरस्टैंड बट मुझे ज्वाइन होना है हर इसमें चाहे मैं अंडरस्टैंड करूं या ना करूं बट आई वॉन्ट टू बी ये बहुत ये बहुत अच्छा भाव है माता जी आपका बहुत अच्छा भाव है प्रभु जी बस मुझे कृष्ण भक्ति करना है प्रभु जी अभी

पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्या प्रभुनित्यानन्द्रियद्वैतगदाभव श्रीवासदिकौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे <coughs> हरे कृष्ण नहीं किया तो जी किसी को याद हमने कहां तक चर्चा किया है लेकिन जहां तक मुझे याद है की रासलीला के बारे में चर्चा हो रही थी गोपियों का और थोड़ा श्री गोपियों को अभिमान आया बोल के श्री कृष्ण भगवान लुप्त तो हो गए थे और वो व्रज में गोपियां बहुत पागलों की तरह श्री कृष्ण भगवान को ढूंढ रही थी ऐसा इतना मुझे थोड़ा-थोड़ा याद आ रहा है प्रभु जी और थोड़ा दो-तीन सेंटेंस मैंने नोट करके रखी थी प्रभु जी बिल्कुल अच्छी बात है बहुत अच्छी तो हम लोग चर्चा कर रहे थे किस प्रकार गोपियां लगभग पागलों की भांति पेड़ों से पौधों से पशुओं से पक्षियों से सबसे पूछ रही थी कि आपने नंद महाराज के पुत्र को देखा है क्या तो उसे सच उसे ढूंढते ढूंढते वो वहां जंगल के कोने में पहुंच गई जहां पे उनको भगवान कृष्ण के चरण कमल दिखाई दिए और चरण कमलों के साथ साथ एक और चरण कमल भी दिखाई दिए एक और गोपी के और वो गोपी हैं श्रीमती राधा रानी तो उसके बारे में चर्चा कर रहे थे हम लोग कि गोपियां कहने लगी कि इस गोपी ने कितना प्रेम भाव से भगवान का कृष्ण का सेवा किया होगा कि कृष्ण हम सबको छोड़कर चले गए लेकिन उनको साथ में ले गए हम सबको त्याग दिया भगवान ने लेकिन उन्हें नहीं त्यागा तो आ, इस प्रकार जो गोपियां हैं गुणगान करी थी और फिर आ, वो जैसे देखिए इस जगत में क्या होता है ना आ, लोगों के अंदर उत्कंठा होती है जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है पुलिस डिपार्टमेंट फॉर एग्जाम्पल पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना तो छोटी छोटी चीजों को देखते हैं एकदम छोटी छोटी चीजों को देखते हैं अरे यहाँ पर ये ऐसा मार्ग क्यों है अगर कहीं मर्डर वगैरह हो गया है तो मर्डर सीन पे पूरा एकदम अच्छे से छानबीन करते हैं नो? तो ये छानबीन करना एकदम बारीक बारीक चीजों को देखना ये भक्तों के अंदर भी होता है तो गोपियों के अंदर ये भाव जो था एकदम परा पराकाष्ठा पे था उनका भाव तो जंगल में घूम रही हैं रात्रि का समय है चंद्रमा की रोशनी थी लेकिन रात्रि का समय है फिर भी देख रही हैं कि यहाँ पे चरण कमल दिख रहे हैं कृष्ण के उसके पास ही किसी और गोपी के चरण कमल दिख रहे हैं और फिर चलते चलते देख रहे हैं दोनों ये चारों पैर जो है दो दो पैरों के जोड़े जो हैं ये साथ साथ चल रहे हैं और अचानक जो गोपी है जो दूसरी गोपी के चरण कमल थे वो गायब हो गए और जो दूसरे चरण कमल हैं वो जमीन में थोड़ा ज्यादा दसे हुए थे तो आपस में बात करी है गोपियां देखो यहां पर आके कृष्ण ने ये दूसरी गोपी जो राधा रानी है उसे अपने कंधे पर उठा लिया या अपने हाथों में उठा लिया उसको क्योंकि देखो राधा के चरण कमल यहां नहीं दिख रहे हैं हमें तो कृष्ण ने या तो उसे अपने कंधे पर चढ़ा लिया होगा या तो अपने हाथों में उठा लिया होगा नु? और देखो जहाँ कृष्ण के चरण कमल जो है वो ज्यादा जमीन में धसे हुए हैं मतलब उसने क्योंकि राधा रानी को अपने गोद में उठा लिया होगा इसीलिए ऐसे चरण कमल उनके ज्यादा जमीन में धसे हुए हैं और फिर थोड़ा आगे जाके कहीं घूम फिर के देखे के फिर चार फिर चार चरण कमल देख रहे हैं तो बोले यहाँ पे राजधानी को नीचे रख दिया होगा और वहां काफी फूलों के पेड़ थे तो वहां पर उन्होंने दिखाई दिया कि भगवान कृष्ण के जो चरण कमल थे उनके पूरे चरण कमल नहीं दिखाई दे रहे केवल अंगूठा दिखाई दे रहा है ऊपर तो बोली देखो यहाँ पर आकर कृष्ण ने ये कि जो फूलों के पेड़ है ना अपने पांव ऊपर उठाकर ऐसे जैसे तो भी वो चढ़ जाते हैं ना पांव पाँव उठा के वो फूल तोड़ रहे होंगे यहाँ पर अपनी प्रियतमा जो राधा है उनके लिए उनके बालों में फूल सजाने के लिए या उनके गजरा बना के देने के लिए उन्होंने यहाँ से फूल तोड़े होंगे और ये लड़का जो है ना नंद का बेटा जो है ये किसी कामी व्यक्ति की तरह यहाँ पर उसने राधा का श्रृंगार किया होगा फूलों से सजाया होगा उसे उसे गजरा पहनाया होगा तो गोपियां चिंतन कर रही हैं राधा और कृष्ण का इन्हों के कैसे कृष्ण राधा रानी को संतुष्ट करने के लिए कैसे उनके बाल सजा रहे होंगे कैसे उनके बालों में फूल लगा रहे होंगे देखिए ये जो चिंतन है और जो भगवान कृष्ण सचमुच में ऐसा किए थे क्योंकि भगवान कृष्ण जैसे जैसे गोपियां सोच रही थी बिल्कुल वैसा ही हुआ था भगवान कृष्ण वो राजधानी को लेकर चले गए थे वन में और जो जो गोपियां देख रही थी अपने मन से वो सब वैसे ही घटित हुआ था क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं ना उनके मन में कोई भी मनगढ़ंत विचार नहीं आते हैं कि, कि शायद ऐसा हुआ होगा नहीं ऐसा जैसा होता है भगवान के लिए वैसा ही उन्हें दिखाई देता है तो इसीलिए कभी कभी भगवान के जो भक्त होते हैं ना जगत में यू you नो know, वो कुछ लीला लिख देते हैं ना वो उन्होंने लीला अपने मन से देखा है कि ऐसा घटित हुआ था अपने मन से घटित हुआ था इसलिए लिखते हैं वो पुस्तकों में तो गोपियां भी ऐसे ही भगवान के परम भक्त हैं तो अपने मन के भाव से देख रही थी कृष्ण कैसे राधारणी का श्रृंगार कर रहे हैं कैसे राधारणी को संतुष्ट करने के लिए कर हैं लीला कर रहे हैं और यहाँ पर राधा और कृष्ण वो जब गोपियों की आवाज सुनाई देती थी नजदीक आ रही हैं तो थोड़े दूर चले जाते थे और और दूर चले जाते थे वन में तो ऐसे करते करते अः जो है ना अ राधा रानी बहुत थक गई कृष्ण बोले देखो यहाँ राधा और गोपियाँ और नजदीक आ गई थोड़ा चलो हम और आगे निकल लेते हैं तो राधा रानी बोली देखो कृष्ण मैं तो विष्वानु नंदिनी हूँ मैं तो विष्वानु महाराज की पुत्री हूँ मैं तो बड़े नाजों से पली हुई मुझसे इतना चला नहीं जाता आज तो इतना चला दिया आपने मुझे इतना चल के आना पड़ गया है मेरे पांव दुखने लग गए हैं तो आप एक काम करो मुझे उठा लो अपने पास पास और जहां ले जाना है ले चलो राधा ने थकी नहीं थी लेकिन उनके अंदर तो थोड़ा अभिमान आ गया अभी कि देखो कृष्ण ने बाकी सब गोपियों को भी छोड़ दिया लेकिन मुझे नहीं छोड़ा नहीं। और मैं जैसा कह रही हूं वैसा कर रहे हैं तो सोची कि चलो अब तो मैं थोड़ा नाज नखरा करूंगी मैं थोड़ा मान वान कर लेती हूं अभिमानी हो गई तो राधानी के अंदर जो अभिमान आ गया कृष्ण को बोली कि आप मुझे जहां ले जाना है ले जाइए मैं अभी चल नहीं पाऊंगी तो कृष्ण बोले हाँ हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं ऐसा करो मैं थोड़ा नीचे झुक जाता हूं मेरे कंधे पे चढ़ जाओ तो राधानी बोली हाँ ठीक है तो यूं बोल के कृष्ण झुके और राधानी जैसे उन कंधे पर चढ़ने लगी कृष्ण तो वहां से लुप्त हो गए गायब हो गए दिखे ही नहीं फिर राधा रानी को और राधा रानी जब देखा अरे कृष्ण चले गए तो फिर राधारानी बहुत ही दीन भाव से रोने लगी कृष्ण को पुकारने लगी, हे स्वामी हे नाथ हे प्रियतम आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए मैं जानती हूँ मेरे अंदर अभिमान आ गया था लेकिन मैं आपकी दासी हूं मैं तो आपकी सेविका हूं तो कृपया आप मुझे इस तरह त्यागी मत तो इस तरह राधा रानी भी वहां पर बैठकर रोने लगी और जब वो रो रही हैं तो गोपियां धीरे धीरे नजदीक आ गई रो, रोना सुनाई दिया राधा रानी का तो वो भी वहां पर आ गई और फिर राधा रानी ने पूरा किस्सा सुनाया कि कैसे कृष्ण उन्हें लेकर कहाँ कहाँ गए थे किस प्रकार उन्होंने राधा रानी का श्रृंगार किया था कैसे उनकी हर बात मान रहे थे और कैसे ये सब देखकर कर के मन में अभिमान आ गया और कैसे भगवान कृष्ण उन्हें त्याग कर चले गए तो देखिए भगवान श्री कृष्ण जो है ना गोपियों से श्रीमती रानी से इतना प्रेम करते हैं ना इसका हमें कभी चर्चा करेंगे वृद्ध भागवता में इसका चर्चा आता है लेकिन जब भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा भी गए थे और मथुरा के बाद जब द्वारका गए थे द्वारका में उन्होंने सोलह हजार एक सौ आठ रानियों से विवाह किया था तो रानियां कभी कभी वार्तालाप करती थी एक दूसरे से कह रही तुम्हें पता है क्या कल रात को कृष्णा मेरे हमारे मेरे बिस्तर में मेरे साथ लेटे हुए थे और फिर मेरा मुख देखकर बोल रहे हैं राधे तुम्हें इतना अभिमान नहीं करना चाहिए तो क्योंकि ना तो रानियों का नाम तो राधा नहीं था हाँ रुक्मिणी थी कालिंदी थी लक्ष्मण थी अलग अलग रानियां थी उनकी भगवान कृष्ण की सत्य भामा थी तो, तो आ राधा तो किसी का भी नाम नहीं था तो जब रानियां ये सुनती तो उनको मनी मन थोड़ा आ, ऐसा लगता है कि अरे कृष्ण तो राधा से अधिक प्रेम करते हैं हमें देख भी राधा को ही याद करते रहते हैं तो भगवान को इतना प्रेम था राधा रानी और गोपियों से केवल राधा का ही नाम नहीं गोपियों के भी नाम लेते रहते थे और कभी कभी रात में ही क्यों दिन में भी कभी कभी अपनी रानियों के साथ रहते थे तो दिन में भी गोपियों के नाम पुकारते रहते थे तो भगवान इतना प्रेम करते थे गोपियों से और राधा रानी से लेकिन जब अभिमान आ जाता है भक्त के अंदर तो चाहे कितने भी प्रिय क्यों ना हो कितने भी बड़े भक्त क्यों ना हो भगवान उन्हें त्याग देते हैं आपको कृष्ण कभी भी गोपियों को और राजधानी को त्याग नहीं सकते नहीं। लेकिन भगवान लीला दिखा रहे हैं। लीला के माध्यम से दिखा रहे हैं कितना भी प्रिय भक्त क्यों ना हो भगवान को भगवान उन्हें त्याग देंगे हमारे संस्था में हम देखते हैं कभी कभी भक्त लोग बहुत सारा सेवा करते हैं और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं उनसे उनको काफी आ, अपना आशीर्वाद देते हैं और ऐसे भक्त लोग बहुत प्रचार कर पाते हैं मंदिर स्थापित कर पाते हैं लेकिन कभी कभी ये करते हुए कभी उनके अंदर मन में अभिमान आ गया तो फिर भगवान उस अभिमान को चूर करने के लिए उनसे अपना जो क्या कहते हैं ना हाँ उनसे अपना कृपा निकाल देते हैं थोड़े समय की तो फिर वो भक्त भगवान की कृपा नहीं होगी तो फिर क्या कर पाएंगे फिर से वही आ, ये ना शक्तिहीन हो जाते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भक्तों को कभी भी मन में अभिमान नहीं करना चाहिए अभिमान से भगवान हमें त्याग देंगे फिर हमारे जीवन में जितनी भी कृपा आती है भगवान की सब कृपा लुप्त तो हो जाएगी तो इसलिए कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए तो खैर जब राधा रानी और गोपियां मिली और जब उन्होंने सुना गोपियों ने सुना राधा रानी का इस प्रकार भगवान ने त्याग कर दिया तो सब गोपियां राधा रानी को लेकर उनको बहुत सांत्वना दिया पहले तो उनके आंसू पोछे उनको सांत्वना दिया देखिए दुख के समय में ना ऐसे ही होता है कि भक्त लोग एक दूसरे के काम में आते हैं एक दूसरे को सांत्वना देते हैं लेकिन कैसे सांत्वना देना चाहिए दो तो चीजों से एक तो ये इस चीज को चिंतन कराना चाहिए कि जो भी दुख आया हुआ है अभी वो हमेशा नहीं रहने वाला क्योंकि जगत में ना तो दुख हमेशा रहता है ना सुख हमेशा रहता है नु? तो अगर दुख आया है तो वो भी चला जाएगा जैसे सुख आता है वो भी चला जाता है दुख आता है वो भी चला जाता है तो ऐसे सांत्वना देना चाहिए भक्तों को नु? और दूसरा दूसरा सांत्वने का तरीका क्या है कृष्ण का चिंतन करना तो गोपियां ऐसे ही सांत्वना देनी थी को भी कृष्ण के बारे में चिंतन करने लगे कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने लगे और ऐसा करने से मानो गोपियां जो हैं वो स्वयं ही कृष्ण बन गई थी कृष्ण बनी नहीं लेकिन कृष्ण के भाव को इस तरह से प्राप्त हो गई कि कृष्ण की लीला जैसे हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे कृष्ण की लीला ही करने लगी थी कृष्ण भाव से ऐसा नहीं कि हम लोग अगर कृष्ण भावनामृत हो जाएंगे तो हम कृष्ण ही बन जाएंगे नहीं ये मूर्खता है सोचना कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम भगवान का भक्ति करेंगे तो भक्ति करते 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 हम भगवान में लीन हो जाएंगे और हम भी भगवान ही बन जाएंगे नहीं।, नहीं ये कभी नहीं होता ऐसा सोचना भी मूर्खता है हम सदैव भगवान के भक्त रहेंगे लेकिन भगवान के चिंतन में इतना भाव आ जाता है कभी भक्तों के अंदर कि वो कृष्ण के सारे जो कार्य हैं उनको अनुकरण करने लगते हैं इमिटेट करने लगते हैं उनकी लीलाओं का जैसे हम लोग कभी ड्रामे करते हैं ना भगवान का कृष्ण का लीला का ड्रामा करते हैं हम लोग कृष्ण ने कैसे गोदन उठा लिया था या कैसे कृष्ण ने उतना दिया करते करते हैं ड्रामा करते हैं ड्रामा ऐसे करते हैं हमारे मुंबई मंदिर में हर साल दिसंबर महीने में ड्रामा फेस्टिवल होता है जिसमें कृष्ण की अलग अलग लीलाओं के ड्रामा किए जाते हैं तो आ, इस प्रकार गोपियों के मन जो थे पूरी तरह कृष्ण में हो गया और वो वन वन भटकने लगी जाने लगी मन के अंदर वन के अंदर और और अंदर चलती चली और चलती गई गई चली अंत में ऐसी जगह पहुंच गई वन में जहां पर चंद्रमा की रोशनी जमीन पर आई नहीं रही थी मतलब इतने घने पेड़ थे वहां पर कि बिल्कुल भी चंद्रमा की रोशनी नहीं पड़ी तो वहां बहुत भयावह लग रहा था वो तो फिर वो गोपियां जो है आ, बोली अंदर और नहीं जाना चाहिए हमें फिर पीछे मुड़ी और फिर जो इतना गहन वन नहीं था वहाँ वापस आ गई और चलते चलते वापस कालिंदी यमुना जी के तट पे आके यू नो कृष्ण के ऊपर चिंतन करने लगी और हाँ सोचने लगी कि शायद हम अगर भगवान का कृष्ण का गुणगान करेंगे गाएंगे तो कृष्ण हमारे पास वापस आ जाएंगे तो तो कृष्ण के गुणगान क्या गा रही हैं गोपियां ये बहुत सुनने योग्य है ये इसे यू नो गोपी गीत भी कहा जाता है आ, आ, तो गोपिया कहती हैं कि हे कृष्ण आपका जन्म होना ब्रजभूमि में ये बहुत ही अद्भुत कार्य है ये बहुत ही अद्भुत है क्योंकि इंदिरा जो लक्ष्मी देवी है जिनका नाम इंदिरा है जो सौभाग्य की स्वामिनी है जब से आपने जन्म लिया है ब्रजभूमि तब से उन्होंने यहां पर अपना डेरा जमा लिया है लक्ष्मी देवी उन्होंने ब्रजभूमि को ही अपना घर बना दिया है अर्थात कहने का अर्थ ये था कि जब से कृष्ण का अवतरण हुआ है ब्रजभूमि के हर घर में असीम संपत्ति और खुशहाली शायी हुई है देखिए कभी तो कहीं कभी जब लोगों को लगता है कि बहुत सारा धन आ जाना ये लक्ष्मी की कृपा है लक्ष्मी आई है घर में तो दिन लक्ष्मी की कृपा हुई इसलिए लक्ष्मी बरस रही है हमारे लिए जरूरी नहीं है कि जब पैसा आ जाए तो लक्ष्मी की कृपा है कैसे पता चले कि लक्ष्मी की कृपा है अगर धन आए और धन के साथ साथ आपके परिवार में खुशहाली छा जाए तो वो लक्ष्मी की कृपा है लेकिन जैसे ही धन आए और भाई बहन आपस में लड़ने लगे पति पति या पत्नी आपस में लड़ने बच्चे और माता पिता आपस में लड़ने लगे नु? या अभिमान आ जाए लोगों को सारे लोगों का अभिमान करने लगे और लोग उनसे दूर होते चले जाएंगे धन आ गया लेकिन दूर उनसे लोग उनसे दूर होते चले जा रहे क्योंकि अभिमान आ गया है मौन तो ये सब लक्ष्मी नहीं ये सब अलक्ष्मी के लक्षण है अलक्ष्मी मतलब दुर्भाग्य की देवी लक्ष्मी जैसे भाग्य की देवी कहा जाता है लक्ष्मी देवी को वैसे ही दुर्भाग्य की देवी वो भी बहन है लक्ष्मी की उसे अलक्ष्मी कहते हैं ये वेदों में आता है तो अलक्ष्मी अर्थात जब जब धन संपत्ति या कोई भी चीज आ जाए जो हमारे सुख शांति को नष्ट कर दे वो अलक्ष्मी हो जाती है अब जैसे सीता माता है वो तो लक्ष्मी है स्वयं है ना वो तो स्वयं माता लक्ष्मी है राम जी की भार्या है लेकिन रावण जब उन्हें उठाकर ले गया तो उनके लिए वो लक्ष्मी नहीं थी वो अलक्ष्मी थी उनके लिए क्योंकि चुरा कर ले गया था तो उसी प्रकार जो व्यक्ति धन चोरी वगैरह करके या रिश्वत लेके या किसी प्रकार गलत कार्य करके धन एकत्रित करता है ना तो ऐसे व्यक्ति के पास धन तो आ जाता है लेकिन सुख छिन जाता है और अब अक्सर देखेंगे ऐसा व्यक्ति जब धन छोड़ के जाता है अपने परिवार में तो उसके जाने के बाद इसके बच्चे लड़ते हैं झगड़ते हैं एक दूसरे का जीना हराम कर देते हैं तो उसे सुख शांति या उसे उसे लक्ष्मी का कृपा नहीं कहते हैं, उसे अलक्ष्मी कहते हैं। जैसे रावण के साथ हुआ था, तो लेकिन गोपियां कह रही जब से आपने जन्म लिया है वजभूमि में कृष्ण तब से मानो लक्ष्मी ने तो अपना यहाँ डेरा जमा लिया और हमने आपके कारण हम हाँ आपकी सेविका में बनी है हम आपके कारण ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं तो आप हमें छोड़कर चले गए ये अच्छी बात नहीं है हम आपको ढूंढ रही में पूरा आप कृपया यहाँ पे तुरंत आ जाइए आपकी सुंदरता कमल को भी मात दे देती है आप इतने सुंदर हैं आपका सौंदर्य इतना अच्छा है कि आप कमल कोई मार देते ऐसा लगता है कि मानो गोपियां काम के वशीभूत हो गई है लेकिन वो काम के वशीभूत नहीं हुई है नु? उनको कृष्ण से प्रेम है प्रेम अर्थात काम और प्रेम में थोड़ा अंतर होता है दिखने के लिए दोनों शायद सेम दिखेंगे लेकिन दोनों के अंदर थोड़ा सा अंतर होता है चेतना में थोड़ा सा ही अंतर है चेतना काम वासना में ये होता है कि अरे हैं। मैं कृष्ण का भोग करना चाहती हूँ गोपियों के अंदर यह भाव नहीं था हाँ प्रशंसा करनी है भगवान कृष्ण के सौंदर्य की कि भगवान आप इतने सुंदर हैं लेकिन भाव यही है कि हम आपको कैसे संतुष्ट करें हम आपकी कैसे सेवा करें फिर कहने लगी ये आपके अच्छा नहीं है कि आप अपनी दासियों को जो बिना किसी अपेक्षा के आपके पास आई है ऐसा नहीं कि गोपियों को भगवान कुछ धन संपत्ति दे रहे थे जैसे जगत में होता है कई बार पुरुष का कहीं कोई स्त्री के साथ संबंध होता है बाहर अपने पर अपने मैरिज के बाहर कहीं संबंध होता है तो उस स्त्री को बहुत सारा धन वगैरह देता रहता है तो इसलिए वो उसकी सेवा भी करती रहती है शारीरिक सुख देती है और यू नो चाहे तो खान अच्छे से भोजन वगैरह बना के देगी सब कुछ करती है उसके लिए क्योंकि धन संपत्ति मिल तो क्या होता है उसमें आदान प्रदान होता है कि आप मुझे दो और मैं आपको दूंगा उसमें प्रेम नहीं होता है कुछ और बहुत ही यू नो भगवान कृष्ण ये भी दिखाना चाहते थे इस लीलाओं के द्वारा कि जब कोई पुरुष और स्त्री एक दूसरे में आसक्त हो जाते हैं ना तो उनका जीवन कैसा दैन्य हो जाता है उनकी चेतना कितनी दीनहीन हो जाती है हालांकि भगवान कृष्ण आत्मा राम है उनको किसी की आवश्यकता नहीं है ऐसा नहीं है देखिए इस जगत में पुरुष को स्त्री की आवश्यकता होती है स्त्री को पुरुष की आवश्यकता होती है लेकिन भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है संतुष्टि और सुख पाने के लिए भगवान को किसी और की आवश्यकता नहीं है वो अपने आम में ही रमण करते रहते हैं भगवान के अंदर काम वासना है ही नहीं तो वो दिखाना चाहते थे भगवान इन लीलाओं के द्वारा कि कैसे स्त्री पुरुष जब एक दूसरे में आसक्त हो जाते हैं तो उनका दुर्भाग्य शुरू हो जाता है और, और कैसे दीन अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं अब देखिए दीन अवस्था क्या होती है लोगों को लगता है दीन अवस्था मतलब पैसा वगैरह छिन जाए और कोई यू you नो know, कोई उनको देखे नहीं जगत में ऐसा नहीं है दीन अवस्था मतलब जब पुरुष और स्त्री एक दूसरे में आसक्त हो जाते हैं ना तो बाकी सबके प्रति वो आ, क्या कहते हैं बिल्कुल इनडिफरेंट हो जाते हैं अब जैसे देखिए कोई यू नो लड़के का शादी हो जाता है तो थोड़े अरसे बाद वो माता पिता को इनडिफरेंट हो जाता है भाई बहनों को देखना छोड़ देता है यू नो कभी तो आजकल तो ऐसा हो गया है कि माता पिता को वृद्ध आश्रम भेज देते हैं बस मेरी पत्नी और मेरे बच्चे ही रहेंगे मुझे और कोई नहीं चाहिए मुझे तो ये दीन अवस्था है कोई सोचे करे मेरे पास धन नहीं है माता पिता ख्याल का ख्याल रखने के लिए पत्नी का ख्याल रखने के लिए है बच्चों का ख्याल रखने के लिए लेकिन माता पिता का ख्याल रखने के लिए धन नहीं है भाई बहनों का ख्याल रखने के लिए धन नहीं है। तो ये दीन अवस्था हो जाती है बहुत नीच चेतना को प्राप्त लेता है व्यक्ति जिस माता पिता ने बाल पोष के बड़ा किया हो जिन भाई बहनों के साथ बचपन गुजारा हो उन सबके प्रति वो बिल्कुल अनासक्त होकर निरादर करने लगता है उनका आदर भी नहीं करता उनको बहुत अपमान करने लगता है कभी तो ये दीन अवस्था है व्यक्ति की जब पुरुष और स्त्री एक दूसरे में आसक्त हो जाते हैं तो बिल्कुल दीन भाव को प्राप्त कर लेते हैं तो भगवान ये भी दिखाना चाहते थे नीलाओं के बाद लेकिन खैर गोपियां ऐसी भगवान का गुणगान कर लीजिए कि हम आपकी दासियां हैं आप हमें कुछ धन संपत्ति भी नहीं दे रहे हो फिर हमारे आप हम आपकी मुफ्त में सेवा करना चाहती हैं तो आप हमें क्यों मारने पर तुले हुए इस तरह हमें वृह की अग्नि में क्यों जला रहे हुआ? आपने हमें इतनी रक्षा की है कई कई बार कई बार असुर आए अलग अलग प्रकार के असुर आया था अघासुर आया था और फिर इंद्र ने इतनी बारिश बरसाई थी नो तृणाव्रत आया था और व्योमासुर वगैरह आया था इतने सारे असुर आए थे आपने सबको वध करके हमारी रक्षा की थी तो आप अभी हमें क्यों मारने पर तुले हुए ऐसा लगता है बाहरी रूप से कि आप यशोदा के पुत्र हो लेकिन आप यशोदा के पुत्र नहीं हो आप तो वही परमात्मा हो जो सबके हृदय में विराजमान रहते हैं ब्रह्मा जी आपकी प्रार्थना करते रहते हैं लेकिन अभी आप वैष्णव के परिवार में जन्म लिए होगी नंद के पुत्र के रूप में जन्म लिए होंगे तो इस प्रकार गोपियां भगवान का गुणगान करने लगी के। कहने लगी कि आपके चरण कमल जो है सारे पापों को नष्ट करने में सक्षम है भगवान उन्हीं चरणों को शिव और ब्रह्मा आदि अपने हृदय में धारण करके सदैव पूछते रहते हैं और आपके चरण कमल जहां जहां गैया जाती हैं उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं वन में और क्योंकि आपने यही चरण कमल कालिया के मस्तक पर रखिए थे और इस तरह कालिया को आपने शुद्धिकरण कर दिया था अभी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप यही चरण कमल हमारे छाती पर रख दीजिए ताकि हमारी जो इच्छा है आपको संतुष्ट करने की वो भी शांत तो हो जाए तो इस प्रकार गोपियां बहुत ही सुंदर रंग से प्रार्थना करने लगी भगवान को और एक सुंदर प्रार्थना करती हैं गोपियां वो कहती हैं तब कथा कविधि श्रवण मंगलम श्रीमदात भुवि गुणंती भूदाजना कहती है तब कथा हे कृष्ण आपकी कथा का जो अमृत है यू नो ये तप्त जीवन इस जगत में जो लोग जल रहे हैं देखिए इस जगत में सब लोग जलते रहते हैं जो व्यक्ति के पास धन है वो भी जलता रहता है जिसके पास धन नहीं वो है।, है वो भी जलता रहता है जिस व्यक्ति का परिवार है वो भी जलता रहता है जिस व्यक्ति का परिवार नहीं है वो भी जलता रहता है जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है वो भी जलता रहता है जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी जलता रहता है जलने का मतलब तात्पर्य कहा क्या है यहाँ पर जलने का तात्पर्य है उनका हृदय जलता रहता है हमेशा अनगिनत इच्छाओं के कारण हृदय हमेशा जलता रहता है करे मेरे पास ये नहीं है मेरे पास वो नहीं है ये आ जाता तो अच्छा होता वो आ जाता तो इस प्रकार हृदय हमेशा जलता रहता है तो जिस व्यक्ति का जीवन जल रहा हो हृदय जल रहा हो अगर वो कृष्ण कथा सुनने को बैठ जाए ना तो उसके हृदय की जलन जो है ना तुरंत ऐसा नहीं कि लाखों सालों तक सुनने के बाद या कुछ सौ साल सुनने के बाद उनका शांत लगे नहीं जैसे ही व्यक्ति कृष्ण कथा सुनने के लिए बैठ जाता है और कृष्ण कथा कोई भगवान का कोई शुद्ध भक्त अगर कृष्ण कथा कर रहा हो तो उस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति के हृदय की सारी जलन शांत हो जाती है और व्यक्ति के हृदय में आनंद का नो you know, वृद्धि होने लगता है तो गोपियां कहती है तब कथातम तप्त जीवनम कभी ईडितम कवि भी, 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 भी मित्र जो बड़े बड़े कवि हुए हैं जो बड़े बड़े विद्वान जो अच्छी कविता लिखते हैं बड़े बड़े विद्वान जैसे ब्रह्मा जी वो भी कवि कहलाते हैं आदि कवि कहलाते हैं क्योंकि वो भी बहुत सुंदर रचना करते रहते हैं जैसे ब्रह्म संहिता नाम का एक पुस्तक लिखा उन्होंने ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर रचना है मतलब क्या है ना सुंदर कविताएं लिखकर भगवान का कर गुणगान करना उसे कवि कहते हैं आजकल के कवियों की तरह नहीं जैसे आजकल कवि सम्मेलन होता है तो ये सब कवि जो हैं कुछ भी उठपटांग चीजों के ऊपर कविता लिखते रहते हैं पति पत्नी के ऊपर हास्य कवि सम्मेलन होता है या कभी हास्य कवि सम्मेलन भी होता है तो उसमें सब उठपटांग चीजों पर ही यू नो व्यंग करते हुए ये कविताएं लिखते हैं ना उसे कभी नहीं कहते हैं कभी मतलब जो व्यक्ति बहुत ही आ, सोच विचार करके भगवान की लीलाओं को लिखता है बहुत ही सुंदर कविता के रूप में उसे कभी कहते हैं तो गोपियां कहती हैं, कवि कभी ईडतम। बड़े जो ऋषि मुनिगण हैं, जो बहुत ही सुंदर कविता लिखने में सक्षम होते हैं वो आपके गुणगान डिस्क्राइब करता है वो आप, वो आपके गुणगान जो है व्याख्या करते हैं मतलब व्याख्या हैं। और और ये जब गुणगान करते हैं ना भगवान के भक्त लोग आपकी आपके कथा के बारे में तो क्या होता है कलमश अपहम अपहम जैसे होता है हिंदी में शब्द है अपहरण अपहरण मतलब हर लेना किसी पर तो कलमश मतलब पाप तो सारे पापों को ये कथा जो है वो हर लेती है नष्ट कर देती है उनको कल मशापम कभी भीर ईडितम कल जो कभी भीर जो महात्मा लोग संत महात्मा लोग जब गुणगान करते हैं आपकी लीलाओं का तो उन गुणगान को सुनने मात्र से जीव जो है अपने सारे पापों को नष्ट कर लेता है और श्रवण मंगलम श्रवण मतलब सुनना और मंगल मतलब बहुत ही मंगलमयी आपके गुणगान सुनना बहुत ही मंगलमयी कार्य है और श्रीमत नो श्रीमत मतलब बहुत ही जिसके ऊपर श्री की कृपा हो तो श्रीमत आततम आततम मतलब उसका व्याख्या पूरे संसार में करना जैसे रेडियो पे होता है ना रेडियो पे व्याख्या करते हैं जो टेलीकास्ट करते हैं रेडियो उसको कहते हैं भूंती जो पृथ्वी पर घूमते घूमते आप ही लीलाओं को दूसरों को बताते रहते हैं ऐसे लोग गोपियां कहती हैं भूरिदा जन ऐसे लोग ही सबसे बड़े भूरिदा हैं भूरिदा मतलब जो आ, जो बहुत ही दानी व्यक्ति होता है ना जो दान करता रहता है बहुत तो उसे भूरीदा कहते हैं भूरीदा मतलब जो बहुत देर प्रचुर मात्रा में दे दूसरों को उसे भूरीदा दा मतलब देना और भूरी मतलब बहुत ही प्रचुर मात्रा में तो जो प्रचुर मात्रा में दूसरों को दे उसे भूरीदा कहते हैं तो ये व्यक्ति जो पृथ्वी पर घूमते घूमते आपकी कथाओं को दूसरों को बताते रहते हैं ना यही व्यक्ति सबसे बड़े भूरीदा है बहुत ही बड़े दानी व्यक्ति हैं उनसे बड़ा दानी कोई है ही नहीं संसार क्योंकि वो आपके गुणगान सुनाकर दूसरों के हृदय का जो जलन है उसे दूर कर लेते हैं हर लेते हैं उसे तो इस प्रकार गोपियां भगवान की गुणगान कर रही हैं, तो कहती हैं आपका मुस्कुराना आपकी दृष्टि हमारे ऊपर डालना या दूसरों के ऊपर डालना ये सब चिंतन करेंगे कैसे कृष्ण हमारी तरफ देखते थे कैसे कृष्ण बोलचाल करते थे अपने मित्रों के साथ जब वन में जाते थे गैया और अपने मित्रों को लेकर तो कैसे तृषि नजर से हमको देखते थे यू नो ताकि कोई देखे नहीं कि वो हमें देख रहे हैं फिर मुड़के नहीं देखते थे जाते जाते त्रिषि नजरों से हमें देख लेते थे तो ये सब चिंतन कर रही हैं गोपी और फिर सोच रही हैं कि कभी हमारा मन सोचता था कि आप वन में किस प्रकार पत्थरों पर या मट्टी पर चल रहे होंगे तो वो सब आपको पैरों में कितना लग रहा होगा यू नो ये सोते सोते गोपियों की जान निकल जाती थी मान के कृष्ण के पैरों में कितनी पीड़ा हो रही होगी हालांकि देखिए साधारणतः तो स्त्री के पैर जो है बहुत सॉफ्ट होते हैं लेकिन भगवान कृष्ण के चरण जो है ना सभी स्त्रियों और पुरुषों से लाखों करोड़ों गुना अधिक आ, नर्म है बहुत ही सॉफ्ट है भगवान के चरण कमल यहाँ तक कि सीता माता ऐसे भागवत में इसका व्याख्या आता है सीता माता सोचती थी जब वन में गई रामचंद्र जी के साथ यू नो तो रामचंद्र तो हालांकि खड़ाऊ पहनकर आए थे यू नो वन में लेकिन जब भरत आए तो भरत खड़ाऊ भी ले गए तो उसके बाद तो भगवान नंगे पैर ही चलते थे वन में तो कभी कोई कांटा पैर में चुभ गया या वन में तो कंकर, पत्थर कांटे बहुत होते हैं तो सीता माता को हमेशा डर लगा रहता था वो सोचती थी कि मैं भगवान रामचंद्र के चरणों को अपनी छाती पे रख के उनको चलाऊंगी ऐसे कि ताकि उनके पैर जमीन पर न पड़े है ना क्योंकि स्त्री का वक्ष स्थल जो होता है ना खास करके वो बहुत ही सॉफ्ट होता है लेकिन सीता माता को डर लगता था जब राम जी के चरण देखती थी उनको अपने हाथों में लेती थी चरण तभी बैठ के उनके पैरों के पास तो उनको लगता था अरे ये चरण तो इतने नरम हैं मैं अगर छाती पर रखूंगी तो भी उनके ऊपर खरोच आ जाएगी मेरी छाती इतनी कठोर है ये पैर तो इतने इतने नरम है तो भगवान के पैर इतने नरम है इतने सॉफ्ट है तो गोपियां केवल चिंतन करती थी तो उनको दुख होता था कि अरे कृष्ण के पैरों में कैसे कांटे लग रहे होंगे वगैरह वगैरह एक बार ऐसा हो कि मैया ने कृष्ण के लिए जूते बनवाए या वन में जाते हो रोज गैया चराने तो जूते पहन के जाओ तो कृष्ण बोले कि मैया लेकिन मैं तो जूते तभी पहनूंगा जब मेरी सारी गैयाओं को भी जूते बनाऊंगी अब ये नंद महाराज के पास नौ लाख गैया थी अब नौ लाख गैयाओं के लिए जूते कैसे बनेंगे तो यशोधा मैया को बोली ईशोधा मैया बोली पिछले ये कैसे संभव है बेटा नौ लाख गैयाओं के और एक गैया के चार चार पैर होते हैं है ना मतलब छत्तीस लाख जूते बनाने पड़ेंगे इतने सारे गैयाओं के लिए नहीं नहीं ये संभव नहीं है बस आप जूते पहन के तो कृष्ण बोला मैं मैं फिर भी नहीं पहनूंगा तो पहनेंग्याओं को इतना पीड़ा हो रहा था कि कृष्ण जूते नहीं पहनेंगे हमारे कारण कृष्ण जूते नहीं पहनेंगे क्योंकि हमारे लिए जूते नहीं है इसलिए कृष्ण जूते नहीं पहनेंगे तो उसी रात को गैया सारी गई व्रजभूमि में और जाकर व्रजभूमि के जहां जहां पत्थर और कंकड़ वगैरह थे सबको अपने पैरों से चकना चूर करके एकदम सॉफ्ट मट्टी के रूप में परिवर्तित कर दिए आप इसीलिए देखेंगे आप वृंदावन में जाएंगे तो हर जगह कहीं मोस्टली कंकड़ पत्थर नहीं दिखते हैं अभी तो खैर बहुत चेंज हो गया बहुत सारी बिल्डिंग बन गई है सब जगह और रोड बन गए सब जगह लेकिन जब पहले रोड नहीं भी थे याद है हम पहली बार जब वृंदावन गए थे रोड नहीं भी थे तो भी पूरे वृंदावन में एकदम सॉफ्ट मट्टी रहती है कहीं पत्थर पत्थक कंकड़ नहीं दिखते आपको क्योंकि गैयाओं ने जाकर सारे कंकड़ पत्थरों को चूर चूर करके सॉफ्ट मट्टी बना दी थी ताकि कृष्ण जब चले उनके ऊपर तो कभी उनके पैरों को पीड़ा ना हो तो गोपियां भी चिंतन कर रही है इस चीज का कि कृष्ण के चरण का मन कितने कितने कोमल है कितने सॉफ्ट है और फिर चिंतन करने लगी कैसे आपके पैरों को पीड़ा होती होगी जब आप वन में जाते होंगे और फिर कहती हैं गोपियां आगे कि आपके चरण कमल जो है ब्रह्मा जी उनकी पूजा करते हैं हम आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं ये भूमि कितनी भाग्यशाली है यू नो कि उसके शरीर के ऊपर सदैव आपके चरण चिन्हों की क्या कहते चिन्ह लगते रहते हैं तो कृपया कृष्ण आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए और अपने चरण जो हैं हमारे छाती पर रख दीजिए इस प्रकार गोपियां भगवान का सुंदर गुणगान किया टोटल उन्नीस श्लोक हैं इसमें गोपियों के गीत जिस प्रकार गोपियां भगवान का गुणगान कर रही हैं तो इसके साथ हम यहाँ पे अभी समाप्त करते हैं कथा अब आगे क्या होता है उसके बारे में हम आ, अगले हफ्ते चर्चा करेंगे ये गोपियां का जो रास लिया है भगवान कृष्ण के साथ ये बहुत ही सुंदर है इस, इसको आई थिंक कम से कम दो या तीन हफ्ते और चलेगा हमारा लीला ये तो अगले हफ्ते हम चर्चा करेंगे कि इसके बाद क्या होता है जब गोपियां ये गीत गा के भगवान को बुलाने का प्रयत्न कर रही करेंगे और भगवान अभी भी प्रकट नहीं हुए तो आगे क्या होता है वो हम अगले हफ्ते चर्चा करेंगे हरे कृष्ण किसी कोई प्रश्न वगैरह है तो पूछ सकते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी प्रश्न जो आपने बताया गाय के बारे में जो भगवान के बहुत सॉफ्ट पैर होते कई लाखों गुना, जो so hmm. जो भगवान ने, Krishna, भगवान ने ने श्री माँ यशोदा से कहा कि गाय के पैरों के लिए जो बनाएगी उसके बाद ही मैं शूज पहनूंगा तो वो मैं आज लर्न की न्यू थिंग प्रभु जी सो या हरे कृष्णा प्रभु जी थैंक यू वेरी मच प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी थैंक यू हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे